टाटा मैया, ख्याल रखना हम लोग के पीछे घर का, है ना। हमारा काम खत्म हुआ और बारिश भी खत्म हो गया। ये ऐसा हम लोगों के साथ धोखाबाजी हो रहा है। जो कंफ्यूजन चल रहा था मेरा, वो कंफ्यूजन दूर हो गया। मतलब यूट्यूब लिटरली करीब 100-150 किलोमीटर गाड़ी अगर लेके जाओगे तब तो सोचो, हम लोगों को कोलकाता से 150 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ा चाय पीने के लिए। तुम पानी पीते पीते चलोगे क्या? कंप्यूटर शट डाउन कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी, नहीं पता कितना हो रहा है, बोल तो दिया टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? रोज होता है, 11 बज गया। तो सुबह सुबह एक जगह जाना है। एक्चुअली एक फर्नीचर का हमारा काम बहुत दिन से पेंडिंग था ये अभी, और वो बाबू के रूम में एक वार्डरोब बनाना था, इसीलिए कार्पेंटर हमारे काफी पुराने मित्र हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनका आसपास ही एक अपार्टमेंट में काम हो रहा है। तो बोले कि आप वहीं पे आ जाइए, दिखा देंगे अब इस घर पे काम होगा या उसी अपार्टमेंट में बन के यहाँ पे लग जाएगा, नहीं पता। तो अब चूंकि आदि बाबा सुबह सुबह उठ गए हैं तो ये भी रेडी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग तीनों आदमी जा रहे हैं। मौसम तो थोड़ा सा डमाडोल था, इसलिए कन्फ्यूजन में हम लोग सोचे कि पहले स्कूटर लेके निकला जाएगा, लेकिन अब किसी वक्त बारिश आ जाए तो फिर काम अपना गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे हैं ताकि जल्दी से काम सलटा के घर आ जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। ओए रेडी रेडी, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। अब पानी भरे हो तुमसे गुड मॉर्निंग निकलेगा, बोलोगे अरे अभी टाटा नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है दत्त। छुप छुप के देख रहा है कैसे माता जी लिपस्टिक लगा रही है। पानी बोतल लेके जाओगी क्या इसका? वैसे ही हाथ में पकड़ा दे इसको। चलो 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 रेडी रेडी, जूता पहना, हम भी जूता वूता पहने, माँ को बोल देते हैं। माँ हम निकल आते हैं, जानू इनको के ले जाते हैं, जा ननका के। हाँ तो गाड़ी से जाए जी 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 मुकुंदो। टाटा मैया, ख्याल रखना हम लोग के पीछे घर का, है ना, लगे तो एक दो बार काट देना। टाटा करो आज को, टाटा करो, टाटा करो आज को, आजी को टाटा करो, टाटा करो आजी को, बोल बोल के टाटा करो आजी को, आजी टाटा बोलो। देखो हम लोग घर से निकले, मतलब गैरेज आते आते जो बारिश शुरू हुआ है, बाप रे बाप। अच्छा हुआ स्कूटर लेके नहीं निकले, स्कूटर लेके निकलते तो कुछ दिखता नहीं, विजिबिलिटी खत्म हो गया विदिन, हाँ विदिन अ सेकंड पूरा विजिबिलिटी खत्म हो गया। मतलब अभी जस्ट निकले हम लोग घर से, हार्डली गाड़ी एक मिनट या दो मिनट चला है, सोचो। हमारा काम खत्म हुआ और बारिश भी खत्म हो गया। ये ऐसा हम लोगों के साथ धोखाबाजी हो रहा है, धीरे धीरे विश्वास उठ जा रहा भगवान के भी ऊपर से। घर से निकलते बारिश करा देते हैं और फिर अब घर घुसने का टाइम है बारिश बंद कर देते हैं। 12 बज गया, आदि बाबा का अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है, नहीं तो हम लोग निकल जाते कहीं घूमने। खैर चलो चला जाए। देखो अभी पूरा एकदम बारिश खत्म हो गया, रास्ता सूखने के कागार पे आ गया है। मेट्रो कैशन गरी भी जाना था हम लोगों को, मेट्रो कैशन गरी के बगल से ही गुजर रहे हैं हम लोग, इतना सारा काम है। ओए हीरो इधर इधर, हाथ में देखो एक पुराना टूटा हुआ गाड़ी का चक्का ले लिया है, उसको तोड़ के चक्का निकाल दिया। अब लेके उसे नहीं, वो पहले से टूटा हुआ था, हम इसे रख दिए थे, हम जब गाड़ी साफ किया हम फेंके नहीं। टूटा था वो, तोड़ दिया था वो, टूटा था वो, छोड़ दिया वही टूटा था। बंगालन का हिंदी। गाड़ी से धुआं निकल रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का धुआं इतना होगा, हो सकता है। अचानक हम डर गए, हम रहे गाड़ी से इतना धुआं कैसे निकल रहा है, सिगरेट ही पी रहे हैं अचानक बहुत धुआं। फिर गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, किस लिए? आंख बंद करो और सो जाओ, तक आ जाएगी मैया ना, काट लेगी तब समझ में आएगा। कौन सा मेरा ये बार? तो 7:30 बज रहा है, लंच वंच करके, मतलब कल से ही जो दिमाग का एकदम दही होके रखा है ना, समझा नहीं सकेंगे वो क्या अंदर हो रहा है, कैसा फीलिंग्स है और कैसा, मतलब एक अजीब सा हो रहा था।
मतलब कल जहाँ पे गया था, अभी खुल के उसके बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज अभी अनसर्टेन है, बट हाँ जो कन्फ्यूजन चल रहा था मेरा वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। मतलब यूट्यूब लिटरली अब कैसे बताएं कि क्या है यूट्यूब का फ्यूचर, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे ना वहाँ पे मस्त आंसर मिलेगा, मस्त रिव्यूज मिलेगा। तो मेरा जो कन्फ्यूजन चल रहा था ना वो कन्फ्यूजन आज एक भाई ने दूर किया। मतलब मैं उनका वीडियो देखा, उस वीडियो पे देख के कमेंट किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उनका रिप्लाई आया और वो रिप्लाई तो मेरे को बोला कि नहीं ये करना है और सोल्यूशन बहुत अच्छा मिला मेरे को। तो एक चीज तो हो गया मन में, माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ उस चीज को लेना है। कब तक आने वाला है या क्या होने वाला है ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसको अभी सरप्राइज ही रखते हैं। जिस दिन आएगा उस दिन आई होप, मतलब ये पूरा हो रहा है यूट्यूब के लिए, पूरा मेरे चैनल को और ग्रो करने के लिए, मतलब एक अलग लेवल पे प्लानिंग अपना चल रहा है, अभी उसको करना है। तो चलो वही है, 7:30 है, मन थोड़ा सा हल्का हुआ कि हाँ चलो अब एक विजन दिख रहा है या फिर एक क्लैरिटी आ गया सामने कि हाँ वो सामान है वही मेरे को लेना है। अदरवाइज इससे पहले कन्फ्यूजन था। मैगी रानी सोई है, यहाँ मौसम ठंडा है इसलिए इनको चादर वादर उड़ा दिया गया है। यहीं पर बैठ के सारा दोपहर में वही वीडियोज वगैरह देख रहा था। आदि बाबा इधर खेल रहे होंगे शायद, कहाँ गया? ए ए ए क्या कर रहे हो तुम? चाबी क्यों फेंक दिया नीचे? हाँ कितना टाइम हो रहा है? 7:30 हो रहा है ना, चलो 11:30 हो रहा है। एक शेड्यूल प्लान हम लोग बनाए लॉन्ग ड्राइव का, तो एक दोस्त को यहाँ से लेना है और उन दोनों को लेके फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। 2 घंटा लगेगा करीब, किलोमीटर कितना तो है देखे नहीं, अगर देख के बताएंगे तुमको। तो चलो मिला जाएगा रास्ते में, अचानक प्लान बना हम लोगों का क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, खुशी की छुट्टी है कल। तो हम बोले कि अब ये भाई साहब तो सोएंगे नहीं 1 बजे से पहले, उससे अच्छा निकल के ही कहीं से घूम के आया जाए। बाबू भी जल्दी सो जाएगा। बाबू भी है नहीं, कि बाबू के लिए थोड़ा सा टेंशन होता है कि सुबह सुबह ऑफिस है तो कोई एक आदमी रहे तो ठीक रहेगा। मैगी और माँ सोए हैं, हम लोग निकल पड़े। चलो चेकिंग चल रहा है रात को। खतरनाक चेकिंग चल रहा है। कल ड्राई डे है, उस ड्राई डे के लिए इन लोग अभी से ही चेक कर रहे हैं, रात से ही तो कहीं कोई टाल होके नहीं निकल गया है। पहुंच गए हम लोग अपने मित्र के यहाँ, हमारा पुराना मित्र है। इससे पहले बहुत सारा टूर हम लोग किए हैं लेकिन अब बीवी बच्चा वाला सब हो गया ना। बीवी वाला तो पहले से ही था, अभी बच्चा वाला अभी बच्चा वाला हो गया, इसलिए टाइम थोड़ा सा दोनों के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। मैंने टाइम निकल जाता है, मैच नहीं कर पाता है कौन कब निकलेगा, किसके पास कब टाइम होगा। और हम लोगों को निकलना ही होता है किसी को लेके, मतलब नहीं तो माँ को, नहीं तो माँ बाबा को, नहीं तो ये तो इसके लिए इतना पेट का हाल देखो इसका। अच्छा हुआ हम येलो टी शर्ट नहीं पहना, नहीं तो मैचिंग मैचिंग हो जाता। बाकी सब ही येलो टी शर्ट पोल ना नाले हमारो हो तो सर पूछ के देख छे तू कह रहे ना
বলো কি কি অর্ডার এখন এতে সময় হয় হ্যাঁ যাবো এখানে বসো এখানে এসে আর কি वाह अरे कितना सीरियस होके देख रहा है अच्छा एक पानी का बोतल दे दीजिए नॉर्मल दीजिएगा ना ठंडा मत दीजिए सैंडविच खाओगे तुम इतना कंफ्यूज है क्या हो रहा है यहाँ अच्छा इधर सोमनाथ भी डाल रहा है रात को खोला घटाए और चाय नहीं पिए ऐसा हो नहीं सकता चाय और सैंडविच राधी भी पूरा सैंडविच में लगा हुआ है मम्मा को बोलो किचू बंद किचू बंद ये तो बंद कर रहा है लो हाँ पेशी बंद है वो तो बोल हाँ गाड़ी कितना गाड़ी इधर 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 गुड नाइट बोलना होगा तो अरे इधर गुड नाइट बोलना होगा तो गुड नाइट बाय बाय टेक केयर बाहर वो गाड़ी देख रहे हैं 2:17 हो रहा है और बगल में जो मेरे महानुभाव बैठे हैं इसको चाय पीने का मन था बोला कि आपके घर में चाय नहीं पियेंगे करीब 100-150 किलोमीटर गाड़ी अगर लेके जाओगे तब तो सोचो हम लोगों को कोलकाता से 150 किलोमीटर ड्राइव करके आना पड़ा चाय पीने के लिए ऐसे मीडिया लोग बोलते हैं और नाम है इसका सोमनाथ ब्रह्मा सोचो पूरा एकदम भगवान का रूप है इसीलिए हम लोग बात कभी टालते नहीं है ब्रह्मा जी बोले और बात टाला जाए तो कोलाघाट में चाय और 1:30 नाश्ता कर रहे हैं आदमी बताओ 1:30 यहाँ हम लोग सैंडविच खाने आए मतलब हद है और उसी बीच ये देखो ये लड़का भी जगा हुआ है अभी तक आज हम लोग एक्चुअली इसे बदला ले लिए रोज हम लोग 1:30 तक जगाता है आज इसको 1:30 तक जगाया गया चल टाटा करो इधर इधर ये देखो टाटा बाय बाय ओ माथा ठोक लिया अभी यही था कल का हमारा एक छोटा सा आउटिंग ऑल ऑफ अ सडन 3 दिन एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया अब आज 2 अक्टूबर छुट्टी था इसलिए प्लान हुआ कि चलो कहीं से ऐसे ही घूम के आते हैं चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग मिलते हैं अगले व्लॉग में बाय बाय